प्रोलॉग एक्ट टू की कहानी स्टार्ट होती है वापस मॉन्स्टैट से, जहां ट्रेवर देखता है कि जीन एक फटुई डिप्लोमेट के साथ स्टॉर्म टेरर के इशू के बारे में डिस्कस कर रही है। फटुई डिप्लोमेट जीन को कहती है कि अगर नाइट्स ऑफ अवोनियस स्टॉर्म टेरर से डील नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें मॉन्स्टैट की सिक्योरिटी का काम फटुई को सौंप देना चाहिए और वो उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देंगे। लेकिन जीन इस बात पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि स्टॉर्म टेरर मॉन्स्टैट की फोर विंड्स में से एक है और उनके डिप्लोमेट्स को सोच समझ के बोलना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। I'd expect a more professional attitude from your diplomats. Yet here you are saying you want to put an end to one of the four winds of Mondstadt? I won't have any of this nonsense in front of the Knights of Favonius. फटुई डिप्लोमेट्स के जाने के बाद जीन ट्रैवलर को बताती है कि स्नेजनाया के फटुई की तरफ से स्टॉर्म टेरर की प्रॉब्लम से डील करने के लिए डिप्लोमेटिक प्रेशर बढ़ रहा है। जीन कहती है कि उसके अकॉर्डिंग स्टॉर्म टेरर को मार देना इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है और उसके अकॉर्डिंग फटुई मॉन्स्टैट में एनिमो आर्कॉन की पावर के पीछे हैं। ट्रैवलर जीन को बताता है कि उसके पास जीन को दिखाने के लिए कुछ है, जिसे देखने के लिए ट्रैवलर और जीन नाइट्स ऑफ अवोनियस के हेडक्वार्टर्स में वापस जाते हैं। हेडक्वार्टर्स में ट्रैवलर लीजा और जीन को स्टॉर्म टेरर से मिले उस रेड क्रिस्टल को दिखाता है। जीन लीजा से पूछती है कि क्या वो उसे एनालाइज करके बता सकती है कि वो क्या है। लीजा बताती है कि क्रिस्टल में बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ हैं, लेकिन इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं बता सकती। उसे थोड़ा और टाइम चाहिए लाइब्रेरी के रिस्ट्रिक्टेड सेक्शन में रिसर्च करने के लिए। क्रिस्टल, but upon further inspection, no, I'm sorry, I can't make a proper analysis at the moment. Give me some time. I'll take a look through the library's restricted section. लीजा को क्रिस्टल के पास जाने पे दर्द होता है और वो बताती है कि शायद क्रिस्टल की पावर विजन होल्डर्स को अफेक्ट कर रही है, क्योंकि विजन की एलिमेंटल पावर और क्रिस्टल की इम्प्योर पावर आपस में रिएक्ट कर रही हैं। जब तक आगे कुछ पता नहीं चल जाता, तब तक के लिए लीजा क्रिस्टल को ट्रैवलर के पास ही रखने को बोलती है, क्योंकि एलिमेंटल पावर्स होने के बावजूद ट्रैवलर को क्रिस्टल कोई इफेक्ट नहीं कर रहा। Anyway, the crystal would be better left in the hands of my cutie. It will just be a pain if left with us, both literally and metaphorically. इस सब के बाद जीन ट्रैवलर को एक सरप्राइज देती है कि उसे नाइट्स ऑफ अवोनियस की तरफ से एक ऑनररी नाइट का टाइटल दिया जाता है, उस सब के लिए जो उसने मॉन्स्टैट के लिए अभी तक किया है। साथ ही ट्रैवलर से आगे भी इस सिचुएशन में डील करने के लिए असिस्टेंस मांगती है। Please accept the title of honorary knight and the gratitude of the acting grand master. Honorary knight of Favonius? We ask for your continued assistance in finding some answers. हेडक्वार्टर से बाहर आने के बाद पाइमॉन ट्रैवलर से पूछती है कि उसने जीन को स्टॉर्म टेरर के पास खड़े उस लड़के के बारे में क्यों नहीं बताया। ट्रैवलर कहता है कि वो खुद उसे इन्वेस्टिगेट करना चाहेगा, लेकिन तभी पाइमॉन को वो लड़का मॉन्स्टैट में दौड़ता हुआ नजर आता है और ट्रैवलर अपनी एलिमेंटल साइट का यूज़ करके उसका पीछा करता है। फाइनली उन्हें वो लड़का एक क्राउड के बीच में एक सॉन्ग गाता हुआ मिलता है। इस सॉन्ग में वो लड़का स्टॉर्म टेरर की पूरी कहानी बताता है कि कैसे उसका जन्म हेवंस में हुआ और तेवात में आने के बाद उसने एक बार्ड से दोस्ती की, कैसे उसने एक दूसरे ड्रैगन से फाइट करके मॉन्स्टैट को बचाया और कैसे उस फाइट में ड्रैगन का माइंड और बॉडी करप्ट हो गए। इस करप्शन के बाद मॉन्स्टैट के लोगों ने ड्रैगन को गलत समझना शुरू कर दिया, जिसका बदला वो आज ले रहा है। What is to be sung transpired in days of yore, when the divine Archon still walked the earth. A dragon cast his curious gaze on the world below, as he parted from the heavens that gave his birth. The dragon sought truth amongst common folk, but mortal trifles only fogged his mind. The windborn bard strummed his strings dulce, and the holy lyre answered his questions kind. The dragon was but a child, full of wonder, and soared the heavens free from care. The bard's songs invited him to sing along, for he yearned to let all perceive him fair. Enchanting legends the bard and dragon were, but the tides of despair soon engulfed the land. The lion fang perished, and the falcon flag slept. As a vile dragon approached Mondstadt in the east. Over the cathedral loomed death and his friends. Of the people's agony, the bard soon sang. The soaring dragon heeded his grave calls, and amidst the windstorms a brutal war spread. Blood of venom sent the sky dragon into slumber. Only to awake to be expelled in abhor. Why do people in this age loathe me so? But the holy lyre replied no more. Wrath and woe,
vigor and venom. Poured from the dragon's bitter eyes. The dragon's curse sprawled in silence. But the lyre could no longer soothe. ये स्टोरी सुनने के बाद ट्रैवलर इस लड़के से मिलता है और पता चलता है कि इस लड़के का नाम वेंटी है जो कि एक बार्ड है। वेंटी ट्रैवलर को स्टॉर्म टेरर का असली नाम बताता है जो कि ड्वालिन है। ट्रैवलर वेंटी को ड्वालिन से मिला वो रेड क्रिस्टल दिखाता है, लेकिन जैसे ही ट्रैवलर उस रेड क्रिस्टल को निकालता है वो रेड से प्योरीफाई होकर ब्लू हो चुका होता है। वेंटी ट्रैवलर को ड्वालिन की आगे की स्टोरी बताता है। वेंटी बताता है कि जो क्रिस्टल ट्रैवलर के पास है वो ड्वालिन के टीयर्स हैं। ऐसा ही एक दूसरा क्रिस्टल वेंटी के पास भी होता है। वेंटी ट्रैवलर से पूछता है कि क्या वो उस क्रिस्टल को भी प्योरीफाई कर सकता है। ट्रैवलर के क्रिस्टल को टच करते ही वो दूसरा क्रिस्टल भी प्योरीफाई होकर ब्लू हो जाता है। वेंटी आगे बताता है कि ड्वालिन को अगर मारा ना भी जाए तो भी उसकी लाइफ खतरे में है, क्योंकि उसके अंदर का पॉइजन और एंगर उसकी जान ले सकते हैं। ट्रैवलर वेंटी से पूछता है कि वो इसमें क्या हेल्प कर सकता है। वेंटी कहता है कि उसके पास ऑलरेडी एक प्लान है और वो वहां से मॉन्स्टर के हीरो के सिंबल के पास जा रहा है। His life will still wither away in the breeze. He'll burn himself out in the flames of anger. I really must thank you for purifying the teardrop crystal. It has helped me greatly. But I've already come to devise my own plan. Oh? And what plan would that be? Seeing this tear has brought to mind a friend so dear. Friend? One must be going. Hey, where are you running off to? To the symbol of Mondstadt's hero. Bye-bye. वेंटी के जाने के बाद ट्रैवलर पाइमोन को बताता है कि वेंटी की आवाज़ कहीं सुनी हुई लग रही है और उन्हें वेंटी पे नजर रखनी पड़ेगी। दोनों वेंटी के पीछे जाते हैं और वो उन्हें मिलता है मॉन्स्टेड सिटी के बाहर विंडराइज ट्री पे। वहाँ ट्रैवलर वेंटी से गॉड ऑफ एनिमो के बारे में पूछता है। वेंटी बताता है कि एनिमो आर्कॉन बारबेडोस बहुत टाइम पहले ही मॉन्स्टेड को छोड़कर जा चुका है। जहाँ लीवे और इनाजुमा के आर्कॉन्स अभी भी वहीं प्रेजेंट है, एनिमो आर्कॉन को बहुत टाइम से देखा नहीं गया है। वेंटी ट्रैवलर से पूछता है कि मॉन्स्टेड के लोग क्या जानते हैं ड्वालिन के बारे में, तो ट्रैवलर लीजा ने जो कुछ ड्वालिन के बारे में बताया है वो सब वेंटी को बता देता है। वेंटी रिवील करता है कि ड्वालिन के रीसेंट अटैक्स के पीछे उसकी गिरती हुई हेल्थ है जो उसके अंदर के पॉइजन की वजह से है, जो सालों से उसे टॉर्चर कर रही है। इसी वजह से ड्वालिन एक अबिस मेज की बातों में आ गया है। Is that so? Quite the scholar, I must say that, Lisa. She's not wrong. The conflict has reached this point only because both sides have resorted to the use of force. His hate, however, did not arise from the people not making tribute to the Four Winds. Nor was it born from his own nature, but instead came about as a product of his degradation. Degradation? The black blood flowing through his heart has been torturing him for years. That's what has allowed him to be led astray by the lies of the Abyss Mage. वेंटी ट्रैवलर को अबिस ऑर्डर के बारे में भी बताता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमंस को हेट करते हैं। वेंटी बताता है कि ड्वालिन से लास्ट मीटिंग के इंटरप्ट हो जाने की वजह से ना ही सिर्फ वो ड्वालिन के कर्ज तोड़ पाया, लेकिन उसकी खुद की बॉडी भी पॉइजन हो गई। लेकिन अब विंडराइज के ट्री के नीचे खड़े होकर खुली हवा में सांस लेने से उसकी बॉडी का पॉइजन ठीक हो गया है। वेंटी ट्रैवलर को मॉन्स्टेड के कैथीड्रल में चलने को बोलता है, क्योंकि वहां से होली लायर डे हिमेल चाहिए ड्वालिन को प्योरीफाई करने के लिए। होली लायर डे हिमेल एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो एनिमो आर्कॉन बारबेडोस यूज करता था। उसका यूज करके वेंटी ड्वालिन को उसके पॉइजन से फ्री करना चाहता है। वेंटी कहता है कि लायर कैथीड्रल में अंदर कहीं छुपा के रखा हुआ है और उन्हें वो वहां से निकालना होगा। So this holy liar de Himmel is one of the most treasured items in Mondstadt. It's the lyre that Barbados used to play. With it, perhaps I can help Dvalin draw his gentle nature back out of this nightmare he's going through. Will it really stop Storm Terror from causing more damage? Of course. I'm the best bard in the world. There's not a single song I do not know, no matter if it's from the past, present, or future. So how can we get the holy lyre? It's said that it's enshrined deep within the cathedral, somewhere safe. I'll go take a look around. You can come if you want. कैथेड्रल के अंदर वेंटी एक नन से लायर लेने के लिए हेल्प मांगता है, लेकिन वो मना कर देती है। ये सुनके वेंटी अपनी रियल आइडेंटिटी नन के आगे रिवील करता है कि वो ही मॉन्स्टेड के एनिमो आर्कॉन बारबेडोस हैं। लेकिन नन ये बात नहीं मानती और उन्हें बाहर निकलने को बोलती है। Then, I guess I'm left with no other choice. I cannot hide anymore. My disciples, rejoice! Behold, the god of Animo, Barbados, has descended. Shocked, aren't you? Don't you just want to cry out and rejoice?
How does it feel to finally meet the god you've been serving? If there's nothing else, I'll be going back to handle the cathedral's paperwork now. Wait! ट्रैवलर अपनी तरफ से नन से बात करके उसे लायर लेने की कोशिश करता है, पर वहां भी रिजेक्ट हो जाता है। वेंटी सजेस्ट करता है कि उन्हें लायर चुराना पड़ेगा और ये काम ट्रैवलर को ही करना पड़ेगा। Very well. Looks like borrowing it is not going to be possible. We're simply going to have to steal it. Today we stand for free will. Any suggestions on just how we steal it? Come now, speak up. That's what free will is for. Look at you, sidetracked from the start. But seriously, you're more suitable for the job than I. Aside from singing, I don't really have any other talents. Traveler Holy Lyre de Himmel को चुराने ही वाला होता है कि तभी वहाँ एक इलेक्ट्रो सेसिन मेज अपीयर होके उस लायर को वहाँ से ले जाती है। लेकिन नाइट्स ऑफ अवोनियस ट्रैवलर और वेंटी को वहाँ देख लेते हैं और ट्रैवलर को वहाँ से भागना पड़ता है। भाग के वो सब डीलू के टैवन में जाते हैं जहाँ वो छुप जाते हैं। डीलू अपने टैवन के बारटेंडर को तीनों पर नजर रखने को कहता है। दो नाइट्स इनको ढूंढते हुए डीलू के टैवन पहुँचते हैं, लेकिन डीलू उन्हें धोखा देके कहीं और भेज देता है। नाइट्स के जाने के बाद डीलू ट्रैवलर और वेंटी को कन्फ्रंट करता है और पूछता है कि वो दोनों ने होली लायर को क्यों चुराया। पाइमोन बताती है कि होली लायर को उन्होंने नहीं बल्कि किसी और ने चुराया है। वेंटी डीलू को ट्रैवलर का इंट्रोडक्शन देता है। डीलू ट्रैवलर को पहचान जाता है, लेकिन ट्रैवलर के नाइट्स को ज्वाइन करने को लेकर डिसअपॉइंटमेंट भी दिखाता है। यहाँ क्लियर हो जाता है कि डीलू नाइट्स ऑफ अवोनियस के काम करने के तरीके को सही नहीं मानता। वेंटी डीलू को होली लायर चुराने का रीजन बताता है और डीलू इस मैटर में हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है और सबको टैवर्न बंद होने के बाद मिलने को कहता है। Right. I want answers. He is Master Diluc, the boss of the owner of this tavern. I just heard about some thieves from the guards. For the record, I like your guts for trying to steal the holy Lyre de Himmel. Even if you are fools, but we don't often get to see people like you. It wasn't us that stole it. The real thief is still out there. This is the hotshot of the Knights of Favonius. Why would someone so aspiring steal Mondstadt's sacred treasure? Hotshot? Oh, so it's you. Well, despite only being a passing traveler, you still offered your help to Mondstadt in its time of need. A shame you joined the Knights. The Knights of Favonius. Inefficient right from beginning to end. Seems you don't really like the Knights of Favonius. Just differences in approach is all. Why did you steal the Holy Lyre? You sure you want to know? It could implicate you in the affairs of the Knights of Favonius. That's fine. I somehow always end up implicated in their affairs. If I tell you the story with a performance, will you believe me? It depends. I'll make my own judgment. Then will I get paid? Your reward will range from anywhere between 5 mora and the Holy Lyre. It all depends on your story. Very well. Let me put on a show. What did I just witness? This is confidential information. Why did you let me know? Why? Perhaps the winds are changing. What say you, Master Diluc? Interesting. Give me some time. I'll organize some contacts. Okay? Let's meet here tonight after the tavern closes. Tavern बंद होने के बाद, डीलूक जीन के साथ tavern में आता है, जहां ट्रैवलर और वेंटी जीन को बताते हैं कि लायर के साउंड से ड्वालिन को प्योरीफाई किया जा सकता है। डीलूक को लगता है कि जीन को कन्विंस करना मुश्किल होगा, बट सरप्राइजिंगली वो इस प्लान को लेकर मान जाती है। जीन कहती है कि उसे थोड़ा आइडिया है कि होली लायर कहाँ है। जीन के अकॉर्डिंग फटुई मॉन्स्टर्ट में एनिमो आर्कॉन की पावर लेने आए हैं और क्योंकि नाइट्स ऑफ अवोनियस ने फटुई को ऑलरेडी ड्वालिन से डील करने के लिए मना कर दिया है, तो अब वो होली लायर के थ्रू वो पावर कलेक्ट करना चाहते हैं। डीलूक ट्रैवलर को लेके उस डोमेन में जाता है जहां पे लायर हिडन है। डोमेन में डीलूक ट्रैवलर को फटुई के 11 हार्बिंजर्स के बारे में बताता है, जिनमें से नंबर 8 सिन्योरा है। डोमेन में बहुत सारे फटुई एजेंट्स से फाइट करने के बाद हमें फाइनली होली लायर मिल जाता है। होली लायर लेके हम वापस डीलूक के टैवर्न में पहुंचते हैं। वहां वेंटी बताता है कि होली लायर की एनिमो पावर्स बहुत कम हो चुकी हैं और इस स्टेट में वो काम नहीं करेगा। वेंटी ट्रैवलर से ड्वालिन के प्योरीफाइड टीयर ड्रॉप्स क्रिस्टल को लायर पे यूज करने के लिए कहता है, उसे रीएक्टिवेट करने के लिए। होली लायर एक्टिवेट हो जाता है, पर वेंटी के अकॉर्डिंग अभी होली लायर को फुल पावर पे एक्टिवेट करने के लिए और भी क्रिस्टल्स लगेंगे। जीन कहती है कि नाइट्स ऑफ अवोनियस के साथ हेल्प करेगी इस मिशन में। Although this lyre is the real thing, I doubt that it's going to work.
As you can see, the Lyre has been through 1,000 years of history. Its animal power has run dry. In this condition, you couldn't play music fit for even Diluc's tavern with it. Anyway, we won't be able to call Dvalin with it. The Lyre itself is fine, but the strings... You're up, Outlander. Do you still have Dvalin's teardrop crystal with you? Great! Try to use it on the Holy Lyre! It worked as expected. That said, its power is far from replenished. It'd be great if we could get more tears. This is not something that an honorary knight can accomplish alone. I will mobilize the rest of the knights to assist. Dvalin के बाकी के teardrop crystals को लेने के बाद सब Diluc की Dawn Winery पे जाते हैं, जहां Traveler बाकी के crystals को purify करके Holy Lyre की full powers को activate कर देता है. Holy Lyre को लेके सब लोग Star Snatch Cliff की तरफ जाते हैं. Star Snatch Cliff पे Venti Holy Lyre का use करके Dvalin को summon करता है और Dvalin को convince करने की कोशिश करता है. लेकिन एक Cryo Abyss Mage वहां आके Dvalin को convince कर देता है कि Barbados actually में सबके साथ मिलके Dvalin को मारना चाहता है. ये सुनकर Dvalin अटैक करके Holy Lyre को तोड़ देता है और वहां से गुस्से में उड़ जाता है. Dvalin Venti को Barbados के नाम से बुलाता है तो Jean और Diluc को भी Venti की ट्रू आइडेंटिटी का पता चल जाता है. इस एक्ट के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि Dvalin अपनी लेयर में वापस उड़ के जा रहा है और उसे दूर से ट्रैवलर की सिबलिंग देख रही है. Cryo Abyss Mage ट्रैवलर की सिबलिंग के पास आके उसे योर हाइनेस करके बुलाता है, जिससे पता चलता है कि Abyss Order की करंट हेड ट्रैवलर की सिबलिंग है. इसी के साथ प्रोलॉग एक्ट 2 फॉर अ टुमारो विदाउट टीयर्स पूरा होता है.